मेहुल को राजनगर के म्यूजियम से कॉल आता है कि उनके यहाँ एक चोरी हो गई है। मेहुल अपनी कार में म्यूजियम के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते ही मैनेजर बताता है कि हमारे यहाँ गोल्ड की बहुत सारी बिस्किट चोरी हो गई है, जो सारे बिस्किट चुरा के ले गया है। तब मेहुल म्यूजियम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और वहां के कैमरे के फुटेजेस चेक करता है। लॉजिकल आर्मी, इन फुटेजेस को ध्यान से देखना। यह है पहली फुटेज, यह है दूसरी फुटेज। इन फुटेजेस को देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोर कौन हो सकता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं? जैसे मेहुल फुटेज देखता है, उसमें मेहुल देखता है कि जब सफाई वाला म्यूजियम के अंदर आया था, तब उसकी बाल्टी में आधा पानी था और पोछा उसकी बाल्टी के अंदर था। लेकिन जाते वक्त बाल्टी भरी थी और पोछा उसके हाथ में था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब जरूर बाल्टी में कुछ डाला गया है और वो सोने के बिस्किट्स है। मेहुल के बताने के बाद सफाई वाले की तलाशी ली जाती है और गोल्ड के बिस्किट्स वापस मिल जाते हैं। तभी मैनेजर मेहुल से कहता है, थैंक यू मेहुल, आपने चोर को पकड़ा दिया। तभी मेहुल कहता है, अभी तो बस एक चोर पकड़ा गया है, एक बाकी है। ये सुन मैनेजर शॉक हो जाता है, एक और चोर, लेकिन कहां? तब मेहुल कहता है, यहां एक चीज और चोरी हुई है। लॉजिकल आर्मी, इस म्यूजियम को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए यहां एक और चीज क्या चोरी हुई है। मेहुल तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझ पाए? ये बॉक्स वाले डायमंड को देखिए, इसमें प्राइस टैग लगा हुआ है। अब कोई असली डायमंड में प्राइस टैग तो रहेगा नहीं, मतलब चोर ने असली डायमंड चुरा के नकली डायमंड यहां रख दिया। मैनेजर एकदम घबरा जाता है और मेहुल को चोर को पकड़ने के लिए कहता है। मेहुल पूरे म्यूजियम की अच्छे से तहकीकात करता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। अगले दिन मेहुल टीवी पर देखता है कि विजयनगर के म्यूजियम में डायमंड की चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत चोरी के लोकेशन पे पहुंच जाता है और म्यूजियम को अच्छे से देखता है, लेकिन मेहुल को वहां चोरों का कोई लिंक या फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है। तब मेहुल म्यूजियम के कैमरे की फुटेजेस मंगवाता है और फुटेजेस को ध्यान से देखता है तो उसे फुटेज में कुछ अजीब सा लगता है। लॉजिकल आर्मी, आप इस फुटेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए मेहुल को इस फुटेज में क्या अजीब लगा। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यहाँ पे एक जैसे दो गार्ड है, दोनों के फेसेस देखिए सेम है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब चोर ने गार्ड का नकली फेस लगाकर चोरी किया होगा। मेहुल उस नकली गार्ड के फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो भी नहीं मिलते। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल म्यूजियम के आजू बाजू भी छानबीन करता है तो उसे वहां एक बॉक्स मिलता है, लेकिन उस बॉक्स को ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए। ध्यान से देखिए नंबर्स को लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मल्टीप्लाई की जगह नंबर्स को प्लस कर दीजिए तो आपको कोड मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट में 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 6, सेकंड में 1 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा 7, तो कोड के लिए 1 प्लस 4 प्लस 3 हो जाएगा 8। मेहुल कोड ए प्रेस करता है तो बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स के अंदर सिटी का मैप होता है, उस पर दोनों म्यूजियम जिनमें चोरी हुई वो मार्क्ड रहते हैं। मतलब ये बॉक्स जरूर उस चोर का होगा। मैप में एक और लोकेशन मार्क्ड होती है, जरूर अगली चोरी इसी लोकेशन पे होने वाली है। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां मेहुल को तीन म्यूजियम दिखाई देते हैं। क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन से म्यूजियम में चोरी हो सकती है, ए बी या सी? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहला तो वुडन एंटीक का म्यूजियम है। अब चोर डायमंड चुराता है तो यहां से चोरी नहीं करेगा। दूसरा म्यूजियम डायमंड का है लेकिन ऑन सेल है, मतलब यहाँ अंदर कुछ नहीं होगा। चोर तीसरे म्यूजियम में आएगा। मेहुल तुरंत म्यूजियम के अंदर चले जाता है, लेकिन अंदर जाते ही लाइट ऑफ हो जाती है। जरूर चोरी करने के लिए चोरों ने लाइट ऑफ की होगी, क्योंकि पूरे म्यूजियम की लाइट गई है, मतलब मेन सप्लाई ऑफ हुआ है। मेहुल म्यूजियम का मेन सप्लाई ढूंढने लगता है। मेहुल को सामने दो डोर दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा डोर मेन सप्लाई की तरफ जाता है, ए या बी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए के फुटस्टेप्स अंदर आ रहे हैं, मतलब कोई बाहर नहीं गया, बस अंदर आया है। चोर ने जरूर पहले मीटर से ऑफ लाइट की होगी और फिर ये डोर से अंदर आया है। मेहुल उस डोर से बाहर जाता है, उसे मीटर दिख जाता है।
वो मीटर को ऑन कर देता है तो लाइट्स वापस आ जाती है। मेहुल सिक्योरिटी की मदद से सारे एग्जिट डोर्स बंद करवा देता है। मेहुल को चार लोगों पे शक जाता है जो म्यूजियम के स्टाफ होते हैं। मेहुल उनके आईडी कार्ड चेक करता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन सा आईडी कार्ड नकली है, एबीसी या डी। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरे और तीसरे दोनों आईडी कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ देखिए 29 फेब है, लेकिन दूसरे वाले में ईयर 2000 है जो कि सही है। 4 से डिविजिबल वाले ईयर में 29 डेज होते हैं, लेकिन तीसरे वाले के आईडी कार्ड में ईयर 2001 है जो गलत है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। बताओ पहली चोरिया कैसे की और क्यों की? तब वो आदमी कहता है, सर ये मेरी पहली चोरी है सर। मुझे एक आदमी ने बाहर 1,00,000 रुपए दिए थे सर, ये डायमंड चुराने के लिए। मुझे और कुछ नहीं पता है सर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब चोर बहुत ही शातिर है, खुद नहीं आया, किसी और को भेज दिया। मेहुल तुरंत अगले म्यूजियम में जाता है जहाँ चोरी हो सकती है। वहां मेहुल सीसीटीवी कैमरे लगा देता है और डायमंड के आजू बाजू में ट्रैप लगा देता है, जिससे जैसे ही चोर डायमंड के पास आएगा वो ट्रैप में फंस जाएगा। मेहुल बाहर जाके चोर का वेट करने लगता है। काफी देर हो जाती है, चोर नहीं आता। तो मेहुल अंदर जाके देखता है तो शॉक हो जाता है, डायमंड चोरी हो चुका था। मेहुल डायमंड के पास जाता है तो खुद ही ट्रैप में फंस जाता है। चोर ने मेहुल को कैद करने के लिए एक रिवर्स ट्रैप लगा दिया था। ट्रैप से निकलने के लिए 3 बटन में से एक बटन को मेहुल को प्रेस करना है। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए कौन सा बटन प्रेस करना चाहिए मेहुल को, टाइगर, ज़ेब्रा या जिराफ? ध्यान से क्लूज को देखिए, समझिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। केज के पैटर्न को ध्यान से देखिए, ऑल्टरनेट व्हाइट ब्लैक पैटर्न है, मतलब ज़ेब्रा पैटर्न है। मेहुल को ज़ेब्रा वाला बटन प्रेस करना चाहिए। मेहुल बटन प्रेस करके केज को ओपन कर लेता है। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखता है तो चोर रस्सी के सहारे ऊपर से आए थे और डायमंड लेके भाग गए। चोर शेर है तो मेहुल सवा शेर है। मेहुल ने चालाकी से डायमंड में एक सेंसर छुपा दिया था जिससे चोरों को ट्रैक किया जा सके। मेहुल पुलिस की मदद से चोरों को ट्रैक करता हुआ उनके अड्डे तक पहुंच जाता है। सामने 3 घर है, क्या बता सकते हैं कौन सा घर चोरों का हो सकता है, ए बी या सी? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी। घर सी के सामने जो कपड़े सूख रहे हैं, देखिए ये वही कपड़े हैं जो चोरों ने पहने थे। मेहुल ये समझ जाता है, पुलिस के साथ घर सी पे रेड करता है और सारे चोरों को पकड़ लेता है। उनके पास से डायमंड भी मिल जाते हैं जिसे वो बाहर की कंट्रीज में बेचने वाले थे। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।